आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है कि आज आदित्य योगी नाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर के सीएम पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि सीएम गोरखनाथ मंदिर की पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी ने नए साल की बधाई दी है। 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सीएम योगी की तरफ से आई है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने नए साल की सभी को बधाई दी है। बड़ी खबर है कि सीएम ने नए साल की सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। INDIA गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 जनवरी को खड़गे ने बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि 4 जनवरी को खड़गे ने बैठक बुलाई है। बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो तय होगा। INDIA गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 जनवरी को खड़गे ने बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को खड़गे ने बैठक बुलाई है। बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद तेज है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार बन सकते हैं। नीतीश कुमार को मनाने में कांग्रेस लगातार लगी है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस लगातार मनाने में जुटी है। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद अब कांग्रेस की तरफ से तेज हो गई है। इंडिया के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मनाने में कांग्रेस लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद अब कांग्रेस ने तेज कर दी है। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी तेज है। नीतीश कुमार को कांग्रेस मनाने में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को मनाने की कवायद तेज कर दी है। लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते इंडिया गठबंधन लगातार कोई ना कोई रणनीति बना रहा है, बैठक कर रहा है। इंडिया के संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। इसके लिए कांग्रेस नीतीश कुमार को मनाने में लगी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को मनाने में कांग्रेस अब तेजी से जुट गई है। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भी रणनीतियां बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, नीतीश कुमार को मनाने में लगातार कांग्रेस जुटी हुई है, लोकसभा 24 के चुनाव को लेकर भी क्या कुछ रणनीति होगी कि नीतीश कुमार को कांग्रेस मना रही है बार बार? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार को मनाना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस गठबंधन में नीतीश कुमार का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है बिहार में, कहीं ना उनकी सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडिया जो गठबंधन बना है इसके अगुवाकार जो है वो नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार की राजनीति में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस जानती है कि अगर नीतीश कुमार छटकते हैं यानी कि इस गठबंधन से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो खटाई में पड़ जाएगा, यानी टूट जाएगा गठबंधन। और ऐसे में NDA को यानी कि या फिर कहें कि BJP को मात नहीं दे सकते। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार मनाने में जुटी, लेकिन आखिरकार मना क्यों रही, किस मुद्दे मना रही? साफ बात यह है कि नीतीश कुमार ने ही कहीं के इस इंडिया गठबंधन का अगुवाई की थी और उन्होंने वही एक छत के नीचे सभी पार्टियों को लाए थे, लेकिन जब संयोजक की बात हुई तो खड़गे का नाम सामने आ गया। तो जाहिर सी बात है कहीं के नीतीश कुमार इससे नाराज है। अब कांग्रेस जुटी है नीतीश कुमार को मनाने में। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के कई जिलों में बस चालकों की हड़ताल है।
ये बड़ी खबर यूपी से है। यूपी में कई बस चालकों की हड़ताल है, रोडवेज बस चालकों की हड़ताल आज है। आज से रोडवेज बस चालक हड़ताल पर है। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन का बस चालक विरोध कर रहे हैं। बस चालकों की हड़ताल से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बस चालकों की हड़ताल है, यूपी के कई जिलों में बस चालकों की हड़ताल आज है। बस चालकों की हड़ताल की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रोडवेज बस चालकों की हड़ताल आज है। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन का बस चालक विरोध कर रहे हैं। बस चालकों की हड़ताल से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी के कई जिलों में बस चालकों की हड़ताल आज है। बस चालकों की हड़ताल आज है, रोडवेज बस चालकों की हड़ताल आज से है। बस चालकों की हड़ताल की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन का ये बस चालक विरोध कर रहे हैं। बस चालकों की हड़ताल से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, आज यूपी के कई जिलों में बस चालकों की हड़ताल है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले में? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में ये जो कमर्शियल जो वाहन चालक हैं उनकी हड़ताल चल रही थी, और लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग जिलों में जो इसकी जो है वो हड़ताल चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि रोडवेज बस टेम्पो ऑटो समेत कई जगहों पर ई रिक्शा चालकों को विरोध प्रदर्शन करने को देखने को मिला है, चाहे वो कैसरबाग का बस अड्डा हो या आलमबाग बस अड्डा हो या चारबाग हो। चारबाग पे तो हालत इतने हो गए थे कि जो पुलिस है उन लोगों की झड़प भी हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद लागू हुआ जो एक कानून है, इसका जो इन लोग विरोध कर रहे थे। जी ओवैस, रोडवेज हड़ताल के बाद से, रोडवेज चालकों की हड़ताल के बाद से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रोडवेज बस चालक है, और आज साल का पहला दिन है और नया साल है, तो काफी लोग का आना जाना लगातार लगा रहता है, जिसको लेकर जो ये विरोध हुआ है। और इस विरोध में देखिए स्वप्निल, ये जो लोग हैं, जो बसों को यात्रा करने वाले यात्री हैं, इनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुसीबत का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इन लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।